जाओ सामान यहाँ रखो, टेबल भी उसको थोड़ा उधर हटा के दो, उधर रखो, उधर कोने पे रखो, इधर इधर कोने पे, यहाँ थोड़ा पीछे लो, जूम कर रहे पुतले के पास मत ठहर, अब इधर ले मेरी तरफ। ये जो मसला है ये मैं ये बताने के वास्ते कराया कि तुम लोग इतने कैसे खुद गर्ज हो गए कि तुम मस्जिदों में मंदिरों में हिंदू में मुसलमान में लड़ने में बिजी हो गए, और तुम्हारा पर्यावरण माहौल कुदरत का माहौल नेचर नेचर को खराब कर दे रहे तुम लोग, यानी कि तुम ये जानवरों के बारे में नहीं सोच रहे, इतने कैसे खुद गर्ज हो गए तुम लोग। कि ये मसला ये है इसलिए बता रहा हूँ मैं तुमको ये कि ये कोई झाड़ तोड़ रहा था दरख्त, दरख्त तोड़ने के बाद ये दो बच्चे दरख्त पे से गिर गए नीचे ट्री पर से, और ये दो बच्चे भी इतने छोटे छोटे थे, वो ये इतने इतने होंगे जरे जरे सर के, जब लेकर आए मेरे पास उनको तो वो बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिए थे नीचे था खुल्ला, जिन्होंने भी उसका घोंसला होगा झाड़ पर वो झाड़ को काट दिए, वो झाड़ को काटने के बाद में क्या होगा, वो बच्चों का तो घर बर्बाद होगा, घोंसला टूट गया, उनके माँ बाप तो परेशान होंगे, वो जानवरों के वो जो भी होंगे बच्चों के, तो उनको भी तो दिल है, उनको भी तो हक है जीने का दुनिया में, उनके भी तो बारे में सोचो, खुद गर्जो तुम्हारे पे क्या बोलते, तो अगर ईश्वर और रब अगर नाराज हो जाएगा तो फिर तुमको भागने को रास्ते नहीं मिलेंगे, भागने को कि तुम जानवरों के तक बारे में ख्याल नहीं कर रहे। आने वाले वीडियो में मैंने ये भी देखा कि कोई बंदर तरस रहा पानी के लिए और जाकर वो बोतल में मंगकर पानी पी रहा, इससे पहले भी मैंने गिलेरी का एक वीडियो ऐसा देखा कि तुमने पर्यावरण को इतना खराब कर दिया, माहौल को नेचुरली माहौल का बिगाड़ा कर दिया तुमने, नदियों को उखाड़ दिए, झाड़ों को उखाड़ के फेंक दिए, खेतों को जंगली जंगलों को तुमने काट के खेता बना दिए, खेता बना के उसको भी बिका दिए, तुम्हारा कोई चीज बस नहीं आ रही, तुम अपना नहीं तो नहीं कम से कम जानवरों के तो भी बारे में उनका तो भी सोचो जरा, उनकी भी तो जिंदगी, उनको भी जीने का हक है, उनका ये कैसा तुम हक मार सकते कि वो जो बच्चे गिरे थे इतने इतने छोटे से थे वो मेरे पास में लेकर आए उनको, तो बहुत ऐसा सामने से आ रहे इधर से छोटे से थे वो इतने इतने से, अगर उनको नहीं लाते थे मेरे पास और मैं अगर उनको नहीं संभालता था, उनको कपास से दूध पिला पिला के उतने बड़े करा मैंने उनको, अब बड़े हो गए अब उनको आजाद कर देंगे, यानी कि उनको झाड़ों पर चढ़ने के लिए छोड़ देंगे उनके दुनिया में उनको खुश रहने के लिए, लेकिन अगर मैं उनको लाकर दूध नहीं पिलाते थे, उसको सबने दूध पिलाया, मैंने मेरे हाथ से दूध पिलाया छोटे छोटे बच्चों को, मुन्ना लाला ने भी दूध पिलाया, बाबा लाला ने भी उसको दूध पिलाया, सब लोगों ने संभाल कर उसको उतना बड़ा करे बच्चों को, अब इतने बड़े हो गए और बड़े होने के बाद में क्या बोलते तो अब उनको आजाद कर देंगे, ले जाके जंगल में छोड़ देंगे, मगर तुम जंगलों जंगल का खराबा मत करो, तुम एक झाड़ काट रहे तो उसके बजाय तुम 10 झाड़ लगाओ, ऐसा खुद को एक एम बनाओ, दिल के अंदर खुद एक इरादा करो पोख्ता कि हम एक झाड़ काटेंगे तो 10 झाड़ लगेंगे, तुम झाड़ा काट दे रहे, तुम हरे कट कर दे रहे, तुम ग्रीन सिटी बनाओ और ग्रीन बनेंगे तुम तो बहुत बेटर और बेस्ट रहेगा, तुमको ऑक्सीजन मिलेगा, हर चीज मिलेगी, देखे ना लॉकडाउन में कैसा आलम होगा था, कैसा भागते फिर रहे थे ऑक्सीजन के वास्ते, और वो झाड़ों का तुम्हारा ख्याल नहीं आता, हजारों साल पुराने 100 साल पुराने झाड़ों को काट के फेंक दे रहे तुम जड़ों से, तो शर्म करो, उस पे दूसरे भी तो लोगों के घर है, उस पे दूसरे भी जानवरों के घर है, उनको भी तो अल्लाह ने जीने के अख्तियारात दिया, उनके भी हुकूक शरीयत के अंदर बताए, इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है अल्लाह के हुक्म से दुनिया में कि शरीयत जानवरों पर भी शरीयत अल्लाह ने वो कराया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके भी हुकूक बताए कि उनको कितना खिलाना, उनको कितना, ये बाद में बनाए, ये एनिमल एक्ट फिक्स से बाद में बने, 1400 साल पहले एनिमल एक्ट बना दिए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए थे कि ऊंट को कितना पानी पिलाना, कितना काम लेना, तुम अगर उसे काम लेंगे तो कितनी देर तक आराम कराना, ये सारे पहले ही आ गए थे सब बातें, तो इस पर तुम अमल करो, तुम अमल करेंगे सब बातों पर तो तुम पर रब भी राजी रहेगा, तुम रब की दूसरे मखलूक पर रहम नहीं कर रहे तो फिर तुम पर तुम्हारा रब अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर नाराज हो जाएगा, रब वो है ईश्वर जिसको किसी ने नहीं देखा, सातों जमीन और आसमान जिसके हुक्म जिसके गुलाम है, और तुम अगर उसको नाराज कर लेंगे तो तुम कहाँ भागेंगे, बच के भाग सकते क्या, तो जरा सोचो, जरा इन जानवरों के भी बारे में सोचो, कितना बुरी बात है वो, अगर वो छोटे छोटे बच्चे वो दो ऐसे से ऐसा करके तुम बहुत सारे जानवरों की नस्ल दुनिया से मिटा दे रहे, खत्म हो जा रहे हो, खत्म होते 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 बहुत सारे चीजें खत्म हो गए, बचपन में जब हम सोते थे आज से 10-15 साल पहले तो सुबह में जब उठते थे हम स्कूल को जाने के लिए तो कोई अलार्म नहीं बजाते थे हम स्कूल को जाने के लिए, चिड़िया कौवे और कई किस्म के जो बर्ड्स होते उन्होंने अलडाते थे अलग अलग किस्म की आवाजों में और सारे माहौल को उठा देते थे, उन्होंने नेचुरली तौर से अलार्म बजती थी बचपन में, और आज हमने आज के दौर में तो देखने ही नहीं मिल रहा, कोई जानवर देखने नहीं मिल रहा, ना कोई चिड़िया आकर उठा रही ना कुछ, चिड़ियाओं के मंदे झुंड रहते थे उनके, बर्ड्स के अलग अलग किस्म के बर्ड्स
इतना अल्ट आते थे, वो इतना शोर करते थे कि सुबह उठ जाते थे सब, और जल्दी उनको भी दाना डालते थे, उनको भी पानी डालते थे हम लोग, तो हमको कोई अलार्म बजाने की जरूरत नहीं रहती थी। और आज अलार्म मोबाइलों में बजाओ तो ये मोबाइलों के वजह से क्या कर दिए तुमने, हर मामले में मोबाइल भी ला के नेचुरली चीजों को जहमत। आगे कंटिन्यू छोड़ दे, टाइम रख लेगा क्या होगा, बाद में छोड़ते टाइम पे उसका वीडियो ला के देना मेरे को, कौन से जंगल में कहाँ गार्डन में छोड़ रहे हो उसको। तो और दूसरी बात कि ये ऐसे हरकतें मत करो, ये ऐसे दास्तान है, तुम अपने बारे में सोच रहे हो मगर थोड़ा उनके बारे में भी सोचो, उनकी भी तो दुआ लगेंगी तुमको। अगर तुम इस पे एक मिसाल भी दे देता सुन लो, कि एक शख्स था, वो शख्स क्या बोलते, तो उसने एक जानवर को जुबा कर दिया था, और जो भी मादा जानवर को जुबा करा था उन्हें उसके बच्चे के सामने उसको जुबा कर दिया था। अब मिसाल के तौर पर कोई बकरी होंगी, और वो था कि बनी इसराइल के कौम से था, तो बनी इसराइल के, तो उसने क्या किया था कि बकरी को उसके बच्चे के सामने सुबह कर दिया, तो बच्चे ने बकरी के ऐसा यूं करके देखा माँ को सुबह होता हुआ, तो वो शख्स को फालिश हो गया बीमारी, यानी कि उसके हाथ पांव लकवा माल कर टेढ़े हो गए। उन्होंने हजारों किस्म के दवाया कर दिया, हजारों किस्म के हकीम सबके पास चले गए, इलाज वालों के पास, कहीं उसको फैज नहीं मिला। यहाँ जो मार पड़ी थी ना, यहाँ डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से मार पड़ी थी उसको। क्यों पड़ी थी, कि वो बच्चे के सामने उसकी माँ को सुबह कर दिया था उन्होंने बोलकर। फिर उसके बाद में कई सालों तक उन्हें वो वबा में मुब्तला था, और एक दिन क्या हुआ, उन्हें सब बैठा हुआ था सहन में मस्जिद अक्सा के कई तो भी अतराफ में, तो उस शख्स ने क्या करा, एक चिड़िया घोंसले बनाते ना दीवार के अंदर, सुराखा सुराखा रहते, तो पहले बहुत था वैसा माहौल, अब तो तुमने मोबाइल के रेंज से सारे चिड़ियाओं को मार दिए, तो सुराखों में मेहराबों में बच्चे देते थे, तो उस शख्स था हाथा पाँव टेढ़े लेकर बैठा, तो उसके सामने एक चिड़िया का बच्चा नीचे गिर गया, चिड़िया से तल तल कर रही सब तलमल तलमल, बच्चे को कैसा उठा के अंदर डालूं, अब उसको थोड़ी आता उठा के अंदर डालने, तो ये शख्स ने क्या करा, कैसा तो भी उठकर गया, मुंह टेढ़ा उसके हाथ पांव टेढ़े, फिर भी उठा के कैसे अंदर डाल दिया बच्चे को। फिर वो अदा इतनी पसंद है अल्लाह को, कि अल्लाह ने उसका वो जो वबा में घिरा था उसको, वो बच्चे के माँ के सामने, माँ को बच्चे के सामने जुबा कर दिया था उन्होंने, तो उसके बाद अल्लाह ने उन जो उठा के बच्चे को मेहराब में डाला, तो अल्लाह को इतनी अदा पसंद है कि उसको बख्श दिया, माफ कर दिया, उसको माफ कर दिया कि उसके हाथ पांव सीधे हो गए, दुरुस्त हो गए, राइट हो गए। तो हर जगह दवा काम नहीं आती, और हर जगह दुआ भी काम नहीं आती, जहां अजाब इलाही अगर है तो फिर अल्लाह को राजी करना पड़ता, और जब अल्लाह एक मामूली बात से नाराज होकर उसको अजाब में घेरा था, यानी कि उस मादा को उन्होंने जुबा कर दिया था उसके बच्चे के सामने, और बाद में ये बच्चे को कई सालों के बाद उठा के वहां अंदर उसके माँ के पास छोड़ा, तो अल्लाह को वो फिर अदा पसंद आ गया, उसको बख्श दिया, माफ कर दिया। बनी इसराइल का शख्स था वो यहूदी। तो ये वाकयात ये सब पढ़ो तुम तारीखों में, तो तुमको पता चलेंगे, और इसलिए जानवरों पर भी रहम करो, ला यरहमुल्लाहु मल्ला यरहमुन्नास, अल्लाह उस शख्स पर भी रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। और दूसरी बात, ये भी तो जाने हैं, इनको भी तो जीने का इख्तियार दिया अल्लाह ने, इन पे भी तो शरीयत दिया लिए, इनको भी तो शरीयत में बता दिया अल्लाह ने किस तरीके से तुम आपको रखना है, उनके भी हुकूक है, सब है। इस्लाम इज ग्रेट, क्यों बोलते हैं, इस्लाम में इंसानों के भी हुकूक है और जानवर के भी हुकूक है। तुम एनिमल एक्ट्स, ह्यूमन एक्ट्स जो भी तुम बनाए अभी, ह्यूमन राइट्स और एनिमल एक्ट्स, तो ये तुम अभी बनाए, इस्लाम ने 1400 साल पहले बता दिया था सारे एक्ट्स, इस्लाम शरीयत क्या है, इंसान के ऊपर कैसा ह्यूमैनिटी कैसी रहेंगी, उनको कैसा तुम जुलूम नहीं दे सकते, जानवर को भी जुलूम नहीं दे सकते, ये सब बातों को पढ़ो तो समझ में आएगा। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे। कैमरा मार रहे उधर, और जानवरों को भी क्या बोलते, तो उनको भी जीने का हक है, उनको भी वो है, कितने छोटे छोटे से थे वो, इतने इतने आगे में फोटो जोड़ के डालूंगा, देखो अब बड़े हो गए, अब छोड़ देंगे उनको, उनके जंगल में जाएंगे, आजाद तरीके से जिएंगे, उधर मार कैमरा जाएंगे, और आजाद तरीके से उनको उनके दुनिया में जीने के लिए छोड़ देंगे अल्लाह करम से। तो ऐसे किसी की आजादी मत छीनो। और सबसे बड़ी अहम बात, धुपकाले में तुम कैसा तल मल करते पानी पीने के लिए, मतलब घर के बाहर पानी रखो चिड़िया के लिए, वो भी तो सवाब मिलेगा तुम आपको। और चिड़िया आकर, कोई जानवर आकर, कोई भी प्यासा जानवर आकर, बर्ड्स परिंदा या कोई भी पानी पीकर जा रहा, तो उसका रुको भाई रुको तो मैं, तो उसका अजर मिलेगा ना। और दूसरी एक बात अहम, के परिंदे, गाय, जानवर, भैंस, कोई भी जानवर, कुत्ता, बकरी तलमल कर रहे बाहर पानी के वास्ते, तड़प तड़प के मर रहे, तो क्या तुम इसके में हकदार नहीं है, क्या तुमने पर्यावरण को खराब नहीं करे, क्या तुमने नेचुरली माहौल का बिगाड़ नहीं करे, बिगाड़ कर दिए बहुत ज्यादा, मगर कम से कम कुछ तो करो सुधार, की जो एक
मामूली बात को जैसे कुछ सवाब मिल सके तुमको, झूठा खाना ऐसा इधर उधर मत फेंको, छत पे टीनों पे या कहीं साइड में डाल देते जाओ ताकि कोई जानवर खा सके, उसका भी पेट भर सके। पानी के वास्ते तुम मतलब बड़ा कुछ नहीं ला के लगा सकते, तो कम से कम छोटा कोई प्लास्टिक के डब्बे को सब काट कर एक बालिश के उतना उसकी ऊंचाई रखकर उसमें पानी भरकर रख दो कहीं छत पर साइड में, ये नियत से कि कोई परिंदा भूखा प्यासा आकर पानी पिए, कोई जानवर आकर पानी पिए, तुमको प्यास लगेंगी तो यकीनन तुम दुकान से बॉटल खरीद के लेके पियेंगे, ये जानवर कहाँ जाएगा। नदियों को हमने बिगाड़ दिए, बौड़िया को हमने ऊंचा दिए, जमीन में बोर मार के पानी ऊपर के नालियों में बहा दिए, फिर जानवर पानी कहाँ से पिएगा। तो उनके भी बारे में सोचो जरा, अगर तुम उनके बारे में भी सोचेंगे तो यकीनन रब भी तुम्हारे बारे में सोचेगा, तुम उनके साथ रहम करेंगे, मुक्का जानवर है वो, तो अल्लाह भी तुम पे रहम करेगा। और कहने सुनने से अल्लाह सबको ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। चलो रोको उधर मार के, रोको उसकी तरफ ले जाओ इनको और छोड़ दो, ले जाकर उनको गार्डन में कहीं तो भी, और उनको वीडियो बना के लाओ छोड़ते वक्त। चलने का चल, जाप जाप अब अपना अपनी जिंदगी जियो, चलो भागो, चलो जल्दी जाएंगे नहीं बोल रहे हो देख, चलो अपनी जिंदगी जियो, चलो भागो, चलो अल्लाह का नाम लेके अब आज़ादी से जिंदगी जियो, चलो भागो। हो गए उनको भी जीने का हक है, बेचारे दुआ देंगे अपने को, छोड़ दिया पुण्य में बस कर। राहे फी सबिलिल्लाह, अल्लाह के नाम पे जहाँ से भी वो मिले थे मुझे, वो लेकर आए थे लोगों ने मेरे पास, झाड़ काट दिए थे, बच्चे नीचे गिरे आ लेते, वो अगर मैं उनको दूध पिलाकर उतना खेल करके बड़ा नहीं करता था तो मर जाते थे, खत्म हो जाते। अल्लाह ने इस जरिए से इंसानों को भी राइट कर रहे, जानवरों को भी पैस पहुंचा रहा, उनको भी लाए दूध पिलाए, अब छोड़ दिए सब सामने से आंखों के सामने। और उसने आगे वो भी फुटेज जोड़ूंगा मैं, उनके छोटे छोटे थे उनको लाए थे तो निकाल के इंशाल्लाह, दो तीन महीने पहले की बात है, दो तीन महीने कितने महीने हो रहे उनको, दो या तीन महीने। चलो अब अल्लाह के उनके बड़े हो गए, छोड़ दिया, आज़ाद कर दी। इसलिए जानवरों का भी ख्याल रखो, तुमको प्यास लगी तो तुम खरीद के लेके पी सकते, जानवर कहाँ से खरीदेंगे, कैसा पीएंगे, तड़प तड़प के अगर मर जा रहा हो जानवर तुम्हारे राज में और तुम्हारे एरिया में, कितनी वबा की बात है, कितनी खतरनाक बात है, क्या बोलूं, मुझे बोलने अल्फाज नहीं मिलते। इसलिए बेहतर है कि एक मामूली बात है, अपन अपनी हैसियत के मुताबिक रखो, ऐसा कोई डब्बे को काटो प्लास्टिक के और उसके अंदर पानी भर के छत पे साइड में रख दो, झूठा तुम खाना फेंको मत, साइड में कहीं डाल देना, जानवर खाते उसको, परिंदे चरिंदे जो भी चीजें वो खाकर उनका भी तो पेट भरता, उनके भी तो लिया गया। तो कितनी बुरी बात है, रोड पर बंदर को प्यास लगी और आकर पानी पीने के लिए पुलिस वाला उसको सही पानी पिला रहा बाटल से, तुमने कितना नुकसान पहुंचा दिया पर्यावरण को, तुमने कितना नुकसान पहुंचा दिया नेचर ब्यूटी को, पानी तक नहीं रखे तुमने, कुएं मचा दिए तुमने, बौड़ियां मचा दिए, तालाबा मचा दिए तुमने, तालाबों में घर बिल्डिंगा बन दिए, नदियों में घर बिल्डिंगा बन दिए, कहाँ जाएगा जानवर, उनके भी तो जीने का हक है उनको भी, इसलिए उनके भी बारे में सोचो, थोड़ा सा पानी रखते जाना, कम से कम इतना तल तलाती धूप है, तुम एसी लगा के बैठे, बाहर का आलम तुम्हारा क्या मालूम कितने खतरनाक आलम है धूप का, इसलिए रहम करो जानवरों पे भी, इंसानों पे भी, सब पे तुम्हारे दिल में माया और मोहब्बत हर इंसान के लिए और हर जानवर के लिए रहेंगी तो फिर ईश्वर भी तुमसे मोहब्बत, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम भी दुनिया और आखिरत बनेगा। तुम अगर जलिंग हसद फलाना ढमका ऐसे करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। और उसका बता दिया ना मैंने कैसा होता, तो बनी इसराइल के शख्स का वाकया बता देना, हाथा पाँव कैसे टेढ़े हो गए थे उसके, तो ऐसा कुछ भी कोई भी वबा में कोई भी बीमारी में तुम्हारा घेर लेगा, तुमको थोड़ी पता तुमको बीमारी में किस वजह से घेरा का, चलो तुम बीमारी में है, चलो तुम मुब्तला, तुम कोई वबा में है और तुम ऐसा कोई अच्छा नेक काम कर देंगे तो उस नेक काम की बरकत के वजह से तुम्हारी बीमारी परेशानियां हटा दिए जाते। ये सब बातें हैं, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह से अमल करने की तौफीक दे।